भतीजा, होशियार, शहंशाह हिंद, आलम पनाह, आला हजरत, बादशाह सलामत, जलालुद्दीन मोहम्मद तशरीफ ला रहे हैं। मुगल सल्तनत का उसूल है कि मरने वाले से उसकी आखिरी ख्वाहिश पूछी जाए। तुम्हारी आखिरी ख्वाहिश क्या है? आप जो कुछ भी दे सकते थे वो सब कुछ आपने दे दिया शहंशाह। अब कुछ शेष नहीं। जो सवाल हमने तुमसे पूछा है वो हमारा काम नहीं है। तुम हमारी बेगम के साथ उसके मायके से आए हो, तुम्हें मेहमान समझकर हम खुद तुमसे ये सवाल पूछते हैं। अगर तुम्हारी कोई आखिरी ख्वाहिश नहीं है तो हम तुम्हें मजबूर नहीं करेंगे। हमें क्षमा कर देना चौधा, हम अपना कर्तव्य अधूरा छोड़कर जा रहे हैं। यहाँ आए थे तुम्हारा साथ देने और बीच में छोड़कर जा रहे हैं। बड़ा अन्याय हो रहा है मोती के साथ, और सबसे बड़ा दुखी है कि हम कुछ नहीं कर पा रहे। बेगम जोधा, आप शहंशाह हिंद की बेगम हैं। आपका इस तरह एक मामूली बांदी के लिए दर दर जाकर खैरात मांगना आपके रसूख के खिलाफ है। और वैसे भी जिनके सामने आप उस मामूली बांदी की जिंदगी की भीख मांग रही हैं, वो कुछ नहीं करेंगे। हाँ, ये हो सकता है कि हम आपकी कुछ मदद कर पाएं। बेगम जोधा, मरना बहुत आसान है, लेकिन हर वक्त मौत को अपने आसपास महसूस करना बर्दाश्त के बाहर हो जाता है। जिस वक्त दीवार अपना कद धीरे धीरे ऊंचा करेगी, वैसे वैसे मोती बाई पर मौत का साया छा जाएगा। दीवार में चुनवाने के बाद कोई जरूरी नहीं है कि फौरन मौत आ जाए। हो सकता है सबसे पहले उसे घुटन महसूस हो, उसके बाद उसकी सांस खुलेगी, हो सकता है उसे प्यास लगे, लेकिन चारों ओर सिर्फ और सिर्फ अंधेरा। यह कहना तो मुश्किल है कि मोती भाई घुटन से मरेगी या प्यास से या फिर घबराहट से, लेकिन एक बात का हमें यकीन है बेगम जोधा, मोती बाई मरेगी जरूर। कतरा कतरा, आहिस्ता आहिस्ता। जहर है, मोतीबाई के लिए दीवार में चुनवाने से पहले मोतीबाई को अपनी आखिरी ख्वाहिश पूछी जाएगी। और जितना हम जानते हैं मोतीबाई की आखिरी ख्वाहिश होगी आपसे रूबरू होना। उसी वक्त ये जहर उसे पिला दीजिए। बेगम जोधा, इस तरह से घुट घुट कर दम तोड़ने से अच्छा है ये जहर का करे कि झटके में दुनिया से कूच कर जाए। आपकी खास बांदी है वो, आपके लिए और उसके लिए हम इतना तो कर ही सकते हैं। आप क्यों ऐसा कर रही है? क्यों हमें इतनी पीड़ा दे रही है आप? दुनिया में दो तरह के लोग होते हैं बेगम जोधा। पहले वो जो चींटी को देखकर भी उसे जाने देते हैं, बिना ये सोचे कि ये चींटी पलटकर उन्हें काट भी सकती है। और दूसरे वो होते हैं जो चींटी को देखते ही मसल कर मार देते हैं, क्योंकि अगर चींटी को छोड़ा जाए
तो वो नाक में घुस कर नाक में दम कर देती है। ये महामांगा इन दूसरे लोगों में से हमारा रास्ता जो काटने की कोशिश करेगा, हम उसकी जिंदगी की डोर काट देते हैं। ये बात अगर आप भी ताउम्र याद रखें तो आपके लिए भी बेहतर होगा बेगम जोधा। मोती को दीवार में चुनवाया जा रहा है, वो भी आपके भातिया हमारे साथ आई थी हमारी सुरक्षा करने। जब बाकी दासियां यहां पर आने के लिए तैयार नहीं थी तब मोती ने हमारा साथ दिया था। खाना, आज आपको हमारी पुकार सुननी होगी, हमें कोई मार्ग दिखाना होगा, वरना जीवन भर हम अपना मुंह नहीं देख पाएंगे। कोई राह दिखाइए कान्हा, कोई मार्ग बताइए। हमें फरमान दे लिखकर दे दीजिए ना नई बेगम साहिबा, हमें ढेर सारे खिलौने चाहिए और पंछी भी चाहिए और कई मिठाइयाँ। ये फरमान शहंशाह को बताना है। आप बेगम है ना, तो खाने खाना के लिए एक फरमान लिख दे। हुक्म शहंशाह का, मुअर मुगल सल्तनत की। आज शतरंज का ये खेल जो भी फतेह करेगा उसे शहंशाह जिंदगी में कभी भी कोई भी चीज मांगने का हक देते हैं। आपने हमें मोती के मुक्ति का मार्ग दिखा दिया। अब मोती हम तुम्हें कुछ नहीं होने देंगे। काबुल में मिर्जा हकीम की मनमानी बगावत की हद तक बढ़ गई है। काबुल सल्तनत की सरहद है। कांधार को महफूज रखना सल्तनत की हिफाजत और उसके रसूख के लिए अहम है। हमें उसे इस तरह से संभालना है कि किसी को खबर ना पड़े कि वहां कभी कोई तकलीफ आई थी। उस्ताद की माफ बेगम साहिबा, इस वक्त किसी को भी अंदर जाने की इजाजत नहीं है। रोक सकते हैं तो रोक लीजिए। हमें आपसे बात करनी है शहंशाह। आप मोती भाई को दीवार में चुनवा नहीं सकते। तक लिया। तुम्हारी किसी भी तस्दीक का हम पर कोई असर नहीं पड़ेगा। हमारी जुबान से निकले अल्फाज हम वापस नहीं लेते। सही कहा आपने। दिए हुए वचन से पीछे हटना शहंशाह को शोभा देता भी नहीं। आपने हमें लिख के वचन दिया है, एक बार जो हम मांगेंगे आप देंगे। हमें मोती बाई का जीवन चाहिए।